माफिया डॉन और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाना था। इस बीच कोर्ट ने अब इस मामले में जजमेंट सुनाने के लिए 13 जून की तारीख तय की है। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां गोला क्षेत्र में भड़थड़ा गांव में ननिहाल आए 4 साल के मासूम को घर वालों ने इंजेक्शन से डरा दिया। इस बात से मासूम इतना डर गया कि उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया। उधर मासूम के नहीं मिलने पर परिजनों ने उसके नाना को जानकारी दी। इसके बाद सूचना मिलने पर SDM गोला रोहित कुमार मौर्य, CO गोला अजय कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अपहरण मानकर तलाश में जुट गई, लेकिन इसी बीच एक दरोगा घर में तलाश करते पहुंचा तो उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। खोला तो बच्चा उसी में छिपा था, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर कंफ्यूज नेता है, वह पूरी तरह निर्णय के शिकार है। वो यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है और क्या करना है, राजनीति में किस रास्ते पर चलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जुबान से महाराजा सोहेलदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। मंत्री यही नहीं रुके और कहा कि वह विदेशों में आक्रांताओं की मजार पर असुद्दीन अवैसी के साथ चादर चढ़ाते हैं, लेकिन महाराजा सोहेलदेव की समाधि पर जाना जरूरी नहीं समझते। गोरखपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। यह तिवारीपुर इलाके की एक महिला को वेतन मांगने पर दुकानदार ने शुक्रवार को बेरहमी से पीटा। जान बचाने के लिए महिला पहली मंजिल से कूद से उसका पैर टूट गया। बाद में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल की OPD के बाहर छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल कर्मियों की नजर पड़ने पर महिला की भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गुलरिहा इलाके के एक गांव में शादी तय होने के बाद युवक को उसके प्रेमिका संग बगीचे में देखकर होने वाला साला आग बबूला हो गया। बगीचे में जाकर वीडियो बनाने लगा तो मारपीट हो गई। पुलिस दोनों को चौकी ले आई। उधर जानकारी होने के बाद पहुंचे परिजनों ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने गुरुवार को सिंदूर पीकर जान देने की कोशिश की। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिंदूर पीने से पहले युवती ने अपने प्रेमी के लिए एक वीडियो बनाया और युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उक्त युवती हाथों में सिंदूर को घोल रही है और रोते हुए वीडियो बना रही है। युवती कह रही है कि वह अपने प्रेमी को लेकर काफी परेशान है, उसकी मौत का जिम्मेदार वही है। वर रहे या ना रहे, इसके लिए सिर्फ उसका प्रेमी ही जिम्मेदार हुआ, क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा है। जब लड़के ने इससे शादी की बात कही तो उसने बच्चा गिराने को कहा। इस दौरान उसकी शादी भी दूसरी जगह तय हो गई है। उसके भाई द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद वह वीडियो में घोले गए सिंदूर को पीते हुए दिखती है। उत्तर प्रदेश की मेरठ में भाजपा के पूर्व पार्षद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस ने फिर से चालान काट दिया। वायरल वीडियो में पूर्व पार्षद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भाजपा का पार्षद हूँ, मेरा चालान काटोगे क्या? चालान काटोगे तो देख लूंगा। मांडा के युवक ने अपनी बहन को शादी का उपहार देने के लिए मुंबई से प्रयागराज शिवकी के लिए बाइक बुक कराई, लेकिन बाइक प्रयागराज की जगह पटना पहुंच गई। शिकायत के बाद इसे प्रयागराज की बजाय गोवा के वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। इसके बाद हद ही हो गई, बाइक दोबारा पटना पहुंचा दी गई। इस बीच युवक की बहन की शादी भी बीत गई, लेकिन बाइक नहीं पहुंची। रामकुमार की बाइक 9 दिन से इधर उधर घूम रही है और प्रयागराज कब पहुंचेगी, इसका मुकम्मल जवाब उसे अब तक नहीं मिल सका है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की दादी समृद्धा देवी का शनिवार सुबह 3 बजे निधन हो गया। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी और इनका इलाज सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां उनका निधन हो गया। समृद्धा देवी पंचतत्व में विलीन हो गई है। अभय राम यादव ने मुखाग्नि दी है। परिवार ने नम आंखों से उनकी विदाई की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई चल रही थी, उसमें 2 मजदूर गिर गए। टैंक से निकालकर मजदूरों को उपचार के लिए मेडिकल ले जाया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फैक्ट्री के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।